राम सियाराम, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसे मात्र सुन लेने से और बोल लेने से ही एक अलग सी अनुभूति होती है, और ये शब्द जब किसी गाने में जुड़ जाए तो ऑडियंस ऑटोमेटिक खींची चली आती है। अब जैसे आदिपुरुष का कल ट्रेलर लॉन्च किया गया, उससे पहले एक सॉन्ग भी रिलीज किया गया था जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया। सॉन्ग के आने के बाद फैंस को इंतजार था तो ट्रेलर का, तो वो भी अब रिलीज हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रेलर कहाँ लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च में कौन कौन लोग शामिल हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं JBT एंटरटेनमेंट चैनल। प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। आपको बता दें कि पिछले साल इस फिल्म का टीजर आउट किया गया था जिसके बाद कंट्रोवर्सी चालू हो गई। कंट्रोवर्सी को देखते हुए मेकर्स ने VFX पर काम करने के लिए एक ब्रेक लिया था। अब इस साल फिल्म के कई पोस्ट के साथ गाना रिलीज किया गया है जिन्हें फैंस का काफी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वहीं आदिपुरुष का दमदार और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन कर देने वाला ट्रेलर मेकर्स ने तिरुपति में रिलीज कर दिया है। वहां लॉन्च में प्रभास, कृति सेनन और ओम राउत भी मौजूद थे, और इस समय कृति सेनन का आउटफिट काफी वायरल हो रहा है। उनके आउटफिट की हर जगह तारीफ हो रही है और चर्चा भी हो रही है, और ट्रेलर को भी फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फैंस इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। रामायण की गाथा को भव्यता के साथ सुनाती ये फिल्म कई मायनों में ग्रैंड होने वाली है। ट्रेलर में VFX भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वहीं ट्रेलर रिलीज से पहले आदिपुरुष के मेकर्स ने एक अनोखा अनाउंसमेंट किया है कि फिल्म की रिलीज पर हर थिएटर में एक सीट भगवान हनुमान के लिए बुक किया जाएगा, यानी कि हर थिएटर में एक सीट खाली होगी भगवान हनुमान के लिए। अब इससे फैंस में फिल्म के लिए और भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये फिल्म 16 जून को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी और आप इस मूवी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। बहरहाल अभी की खबरों में सिर्फ इतना ही। एंटरटेनमेंट की और भी ऐसी अपडेट्स को देखने के लिए आप जुड़े रहिए JBT एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।